अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी J70O पहली बार पावर ऑन करके देखेंगे कि कुछ बैटरी का जूस बचा है या नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम सैमसंग गैलेक्सी J70O आपके सामने। तो यहाँ पर स्टार्ट है, तो एक बार ऐसे टैप करेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन आपको कनेक्ट वाईफाई। अगर आपके पास इंटरनेट है, वाईफाई है, तो ज़रूर कनेक्ट कीजिए। सिम भी इंसर्ट करके आप मोबाइल डाटा को भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर कीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट पर है, एक बार टैप कर दीजिए ऐसा। तो उनका अग्रीमेंट जो भी रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको अग्री करना पड़ता है। एक बार अग्री टैप करेंगे हम तो यहाँ पर डेट एंड टाइम पूछ रहा है, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ देंगे अभी। तो नेक्स्ट डिवाइस नेम देना है, कुछ अगर आपका नाम हो पर्सनल नाम तो दे सकते हैं, लेट्स से कि ABCD। ओके, तो ये वाला नेम दिया। उसके बाद सेटअप फेस रिकॉग्निशन, जी हाँ, इसमें फेस रिकॉग्निशन से भी अनलॉक कर सकते हैं आप। एंड यू हैव दी सेटअप फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो यहाँ पर है ही, और पिन पैटर्न पासवर्ड एंड नो थैंक यू। तो फिलहाल अभी हम फिंगरप्रिंट स्कैनर को करेंगे। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर करने के लिए आपको एक बार पैटर्न का या फिर पिन या फिर पासवर्ड का देना पड़ता है। तो जस्ट एक नॉर्मल सा ऐसे पैटर्न देंगे अभी। तो अभी फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए जस्ट नेचुरल, जैसे कैसे आप यूज़ करते हैं फिंगर, तो अनलॉक करने के लिए जस्ट ऐसे टैप करते जाएं। तो ऐसे टैप करने के बाद फिंगरप्रिंट एडेड, उसके बाद कंटिन्यू। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलेटेड सेटिंग्स है, तो अगर लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। सेट डिस्प्ले ऑप्शन फॉर नोटिफिकेशन ऑन द स्क्रीन, नोटिफिकेशन अगर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन का आइकॉन, सिर्फ आइकॉन देखना चाहते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन आया है, मतलब उसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं वॉलपेपर के साथ मर्ज होने के लिए, तो ट्रांसपेरेंसी हाई रखना पड़ता है या फिर लो। ऑटो रिवर्स टेक्स्ट कलर, यानी कि यहाँ पर ब्लैक होगा, ये टेक्स्ट वाइट होगा, तो ऐसे बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोटेक्ट योर फ़ोन, ओके। तो गूगल का सर्विसेज है, तो अगर इनको डेटा शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करना पड़ता है, अदरवाइज आप डिसेबल कर दीजिए, इससे बैटरी भी बचेगा आपका। तो हम अभी सिस्टम डेटा इनको शेयर नहीं करेंगे, लोकेशन एक्यूरेसी अभी नहीं, तो हम इसको डिसेबल करके अग्री करेंगे। तो उसके बाद सैमसंग का अकाउंट है, तो अगर आपके पास अकाउंट है तो साइन इन कीजिए, नहीं तो क्रिएट अकाउंट है, अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर छोटा सा एरो है, टैप करके स्किप, तो स्किप पर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर यूजफुल फीचर्स बता रहा है कि क्या क्या है, यहाँ पर लो पावर सेविंग मोड वो सारा यहाँ पर बताएगा। सिक्योर योर स्टफ़, यानी इसमें सिक्योर फोल्डर भी मिल रहा है, विच इज़ रियली गुड फ्रॉम सैमसंग, बहुत ही अच्छा है वो। आपका जो भी स्टफ़ हो, जो भी फोटोज़ हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, प्राइवेट रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सेफ में रहेगा वो, सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे सारे चीज़ें फंक्शंस दिए हैं, हम डिटेल से वो बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए सेटअप एंड फिनिश, यहाँ पर फिनिश के बाद ऑल डन, योर फोन इज़ रेडी टू यूज़। अभी हम होम स्क्रीन पर पहुँचने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, सैमसंग गैलेक्सी J70O का होम स्क्रीन। तो ये रहा होम स्क्रीन, ऐसा है, ब्यूटीफुल सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन 1280x720p का डिस्प्ले है, नॉट फुल HD। तो गैलरी पे क्या है, कुछ नहीं फिलहाल। तो यहाँ पर अभी हम अबाउट फ़ोन को देख लेते हैं कि कौन सा सिस्टम रन हो रहा है, कौन सा एंड्रॉयड वर्शन है। तो अबाउट फ़ोन यहाँ पर है, इसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, एंड्रॉयड वर्शन 8.0.0। तो 8.1 जो कि लेटेस्ट है वो नहीं चल रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आप इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे, कुछ अपडेट्स आता है तो यहाँ से आप ज़रूर देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट है ना, अगर एक बार टैप करके डाउनलोड अपडेट्स मैनुअली प्रेस करेंगे तो जो भी अपडेट्स आता है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारे सेटिंग्स हैं, यहाँ पर डिटेल्स हैं, हम अलग वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए फर्स्ट बूट इतना था, और जल्दी से एक बार कैमरा देख लेते हैं कैसा है यूज़र इंटरफेस, आप भी देख लीजिए कैमरा का ऑन दी J70O। तो ये 13 मेगापिक्सल का F1.9 अपर्चर वाला कैमरा है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स आनी चाहिए, बहुत ही डिटेल्ड, फुल स्क्रीन स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल मोड के लिए। एंड यहाँ पर फ्लैश तो है ही, उसके साथ सेटिंग्स वाला ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ से आप बिल्कुल सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, हम डिटेल से देखेंगे। तो बने रही है हमारे चैनल पर, बहुत ही अच्छे वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, आपको डिटेल से सब कुछ बता दूंगा कि क्या क्या है इसमें, क्या कुछ करना पड़ता है आपको। तो होपफुली ये फर्स्ट बूट जब भी आप करते हैं तो क्या क्या सेटअप करना पड़ता है, होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प हुआ, अगर है तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।